Dear students, this is the second topic for the crash course named as structure of atom. This is the more important point than that of first one, because generally two questions are asked. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने शुरू करना है. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबसे पहली बात बता रहे हैं आपको, जो एटम है वो मैं आपके पास थोड़ा सा टेक्निकली बता रहा हूँ क्या है, तो अब हम पॉइंट पे पहुंचेंगे. हमने इतनी चीज को कंटेन करना है यहाँ पर. सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है. नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी टॉपिक में पढ़ना आपको सारा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब टेक्निकली है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को सेल और सबसेल के टर्म्स में कैसे अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर. अभी हम लॉ पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है बेटा. हम अब सेल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोल रहे कि इस सेल में कितने, हम सबसेल की बात कर रहे हैं, एसपीडीएफ में कितना होगा. एक इसका तरीका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, एक प्रॉपर तरीका है कि हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले ये चीज समझ लें. ये देखो एसपीडीएफ, आपको मालूम है SPDF लिखा मैंने, वापस मैंने SPDF लिखा, फिर मैंने SPD लिखा, फिर दोबारा मैंने SPD लिखा, फिर मैंने SP लिखा, फिर दोबारा मैंने SP लिखा, फिर मैंने SS लिखा. एक बार फिर से चेक करेंगे आप, SPDF, SPDF, F को हटा दिया SPD, दोबारा हमने लिखा SPD, फिर D को हटा दिया SP, फिर SPP को हटा दिया SS. पॉइंट ये हुआ कि हमने SPDF दो बार लिखा, फिर F को हटा दिया SPD लिख दिया, फिर हमने D को हटाया SPSP लिख दिया, फिर P को हटा दिया. जो हटा रहे उसके बाद बचे हुए को दो बार लिखना है. तो लिखने का तरीका ये कि लास्ट वाला ये सेल नंबर है, 8 नंबर है, ये सेल नंबर 8 है. This one is the cell number, ये आपको समझना है, ये 8 है, cell, S में आके नंबर चेंज होता है. अगर ये S 8 है तो ये वाला S 7 है. मैं सर्कल करता हूँ S वालों को, ये S में आके नंबर चेंज होगा. राइट साइड से शुरू किया सेल नंबर 8, इसके पहले सेल नंबर 7, ये सेल नंबर 6, दिस वन इज द सेल नंबर 5, दिस वन इज द सेल नंबर 4, दिस वन इज द 3, दिस वन इज द 2 एंड दिस वन इज 1. देखो हमने एस में आके चेंज कर दिया. अगर एस में आके चेंज कर दिया, अब तरीका सुनो लर्न करने का, क्या तरीका है. ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, डिसेंडिंग ऑर्डर. इस 8 एस से लेकर पीछे वाले एस तक डिसेंडिंग ऑर्डर. ये 8 है बेटा, ये 7, 6, 5, ये 7 से लेकर इस 6 तक डिसेंडिंग ऑर्डर. ये 6, 5, 4, आप समझ सकते हैं ये 6 है तो इसका मतलब ये 5 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ये 5 है तो ये 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, और ये 4 है तो ये आपके पास 3 होना चाहिए, 3 है तो 2 होना चाहिए, 2 है तो 1 होना चाहिए. यानी कि आपके पास ये जो नंबर दिख रहे हैं ये सेल नंबर है, ये सबसेल है. अब आपको ये मालूम है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एस ऑर्बिटल, मैं लिख रहा हूं अभी, इज 2, 2, P6, H2, D में मैक्सिमम 10, P6, H2, D10, P6, H2, F14, D10, P6, H2, F14, D10, P6, H2. ये कॉन्फ़िगरेशन 120 एलिमेंट का बेटा, 120 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन यही है. सबसे पहले अब लिखने का तरीका बता रहे, पहले सुन लेना. इसका शॉर्टकट भी है बेटा, ये शॉर्टकट फॉर्म कैसा है इसका, इतना लंबा याद नहीं करेंगे हम. अगर किसी भी एलिमेंट का एटमिक नंबर 2 से ज्यादा है तो हीलियम 2, अगर 10 से ज्यादा है तो हम स्टार्ट नियोन 10 से करेंगे, अगर 18 से ज्यादा है तो आर्गन 18 से करेंगे, क्रिप्टन 36 से ज्यादा है तो 36, जिनोन 54, आरएन 80 आपके 6, ये बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे. तो मतलब ये हुआ हीलियम 2 है, हीलियम 2 के बाद हमारा हमेशा आएगा बेटा 2s2, उसके बाद क्या आएगा हम यहां से डिसाइड करेंगे, इसके बाद आएगा 3s2, इसके बाद अब 4s2, इसके बाद 5s2, इसके बाद 6s2, इसके बाद 7s2. ये बेटा आपके पास इन जनरल सपोज कर लीजिए, हमको बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, गैलियम 31 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा, एक्सेप्शन पूछता है वैसे आपको, एक्सेप्शन हमें बताते हैं, गैलियम 31 पूछा आपको, तो 31 मींस 18 उससे पहले है, हमने 1s, वैसे तो ये है
दो चार दस ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी थर्टी और यहां से कट करके 31 कर देंगे, लेकिन हमें अब इतना लंबा नहीं लिखना है, हम पहुंचे आर्गन 18 सीधा, दिस विल बी आर्गन 18 एंड देयर आफ्टर आप चेक कर लिए आप पहुंच गए 4s2 में, ये 4s2 अभी 20 हुए, ये 18 और ये 20, तो आपके पास 20 अभी 4s2 में आप यहां पहुंच गए सीधा। उसके बाद आपके पास 3d10 है, देखिए ये 3d10 हो गया और अब आपको 1 चाहिए, 18 20 30 तो 1 चाहिए, तो 4p1 लिखेंगे। दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ गैलियम 31। अच्छा गैलियम 31 आपके पास हो गया, तो अब अगर कोई पूछता है रीअरेंजमेंट करो इसको, तो आर्गन 18 आपके पास 3d10 था, सबसे छोटा सेल को पहले लिखेंगे आप, ये थर्ड है, थर्ड नंबर सेल है पहले आएगा, फिर 4s 4p में से 4s पहले, ये रीअरेंजमेंट हुआ बेटा 4p1। अगर आपको पूछा गैलियम प्लस 1 दिया किसी ने आपको चार्ज, इसका मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल से इलेक्ट्रॉन भागेगा, 4p1 खाली हो गया, तो आपके पास आर्गन 18 हो जाएगा बेटा और 3d10 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा और जबकि 4p0 हो जाएगा। अगर आपको किसी ने पूछा गैलियम प्लस 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल वाले से कहीं इससे 3 बार भगाना, आप ये ओरिजिनल गैलियम 31 से 3 भगाएंगे, ये ओरिजिनल था उसका, इसमें से ये दोनों आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा 13 3d10 बस और 4s0 एंड 4p0 मींस आउटरमोस्ट सेल से भागेंगे। कभी कभी हमें गलती कर देते हैं हम, कंफ्यूजन आता है हमें, तो उसके बाद जैसे सपोज करो 1 तो यहां से हटा दिया, अगर उसके बाद बोलता तो हम डी से इसको हटाना शुरू करते, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आउटरमोस्ट सेल ताकि वहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली पैक्ड एंड लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज टू बी इजेक्टेड फर्स्ट। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक सिंपल पॉइंट लिखा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन का लॉजिक कैसे हुआ, शॉर्टकट कैसे लिखा, अब हमने कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बताया कि कैसे होगा ये एक सिस्टम। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो एक्सेप्शन से ही पूछता है, नॉर्मली वो नहीं पूछेगा आपको, एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है, तो एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर वन इफ द लास्ट कंडीशन है बेटा, इफ द लास्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर इन टर्म्स ऑफ एन माइनस वन डी फोर और NH2, तो मैंने जैसा लिखते वैसे लिख देता हूं, NH2 एंड एन माइनस वन D4, इसको आप दूसरी भाषा में लिख सकते हो ND4 और N+1H2, एक ही बात है, इसको कभी कभी ऐसा भी लिखता हूं ND4 N+1H2, एक ही चीज है, तो ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, दिस वन इज द रॉन्ग वन कॉन्फ़िगरेशन, इज सपोज टू बी रॉन्ग वन। सही कैसे करते हैं फिर आपको, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर इन टर्म्स ऑफ NH2 एन माइनस वन डी फोर, दिस वन इज सपोज टू बी रॉन्ग, देन द करेक्ट फॉर दिस इज ऑलवेज आपके पास एन, आप एन माइनस वन जो आएगा आपके पास वो D5 हो जाएगा और आपके पास NS1 रह जाएगा, यानी कि इसी कंपाउंड में D4 गलत है वो दिमाग में रखना, हमेशा वो D5 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ बेटा, जिन दोनों के ये स्पॉन्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, हम नहीं चेंज करा रहे, ये कॉन्फ़िगरेशन अपने आप चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो सबसेल जिनके बीच में ये इंटरचेंज हो रहा है उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो रीसप्लिंग अपने आप हो रहे हैं इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी का जो है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, आइडेंटिकल नहीं बोला, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा एनर्जी, इस वजह से ये इंटरचेंज अपने आप हो जाते हैं। तो और यहां पर जैसे मैंने लिखा आप क्रोमियम 24 ये, तो आपको मालूम है आर्गन 18 सीधा, आपको मालूम है 4s2 और आपके पास 3d4, ये मैंने लिखा रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है ये।
अब इसका सही करने का डी फोर गलत है, दिमाग में रखना डी फोर, उसको डी फाइव करेंगे आप रीअरेंजमेंट करके, तो दिस वन इज ये 3D5 हाफ फील्ड बन गया और 4S1 ये हाफ फील्ड होने के पीछे मोर स्टेबल है बेटा, तो दिस वन इज द करेक्ट वन, वो रॉन्ग था आपके पास। अच्छा मैं इसी में आपको दूसरा ले रहा हूं बेटा, देखो एक्सेप्शन नंबर टू, देखो स्टेटमेंट वही रहेगा, एक्सेप्शन टू, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आर इन टर्म्स ऑफ ये D9, और इसका मतलब हो गया ये D9N+1S2 अगर है तो वो भी रॉन्ग है, तो दैट उसको भी कन्वर्ट करें, मस्ट बी चेंज इन टू, ये जो पॉइंट है बेटा दिस मस्ट बी चेंज इन टू N-1 D10 और NS1, ये हो जाएगा, दिस वन इज सही, रॉन्ग वन, ये आपका रॉन्ग था D9, इसको D10 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फुल फील्ड हो जाएगा, फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब पॉइंट यहां जैसे कॉपर लिखा मैंने 29 आर्गनेडीन 4S2 3D9 रॉन्ग, आर्गनेडीन 3D10 4S1 करेक्ट, कोई गड़बड़ नहीं, सिस्टमेटिक है बेटा, आराम से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, एक मिनट। अब पॉइंट ये हुआ, इफ थर्ड एक्सेप्शन नंबर थ्री, इफ द लास्ट थ्री कॉन्फ़िगरेशन, जो थर्ड नंबर एक्सेप्शन आ गया, इफ द लास्ट टू की जगह पर थ्री, लास्ट थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर इन टर्म्स ऑफ NH2 N-2F8 N-1 D0 अगर है तो दिस वन इज द रॉन्ग वन, ये भी रॉन्ग है, दिस मस्ट बी चेंज इन टू, NH2 N-1 D7 N-1 D1, इसका मतलब अब इन दोनों की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम है, S के साथ एनर्जी इनका ज्यादा कम हो जाएगी बेटा, इसलिए इसकी एनर्जी बहुत कम है, इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो इनके साथ इसका ट्रांजिशन नहीं होगा, बल्कि इन दोनों F और D जो N-1 है उनके बीच एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, तो रीअरेंजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसको रीअरेंजमेंट करेंगे हम लोग, तो ये N-1 D7 पहले आएगा, N-1 D1 आएगा और NH2 आएगा, द करेक्ट वन। सपोज कर लीजिए इसके लिए हम एक एलिमेंट लिखते हैं Z=64 लिखा, एटमी नंबर 64 GD, हमें कोई मतलब नहीं, हमें 64 से मतलब है, 64 एटमी नंबर दिया है, इसका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे हम, तो जीनोन 54 चेक करेंगे, ये जीनोन 54, देयर आफ्टर आपके पास जीनोन 54 के बाद हमेशा आपके पास आता है बेटा 6S2 4F, गिनेंगे आप 64 56 64 हो गए, 54 56 और 8 64 और आपको मालूम है 5D इस समय 0 है, तो दिस वन इज रॉन्ग वन, ये रॉन्ग है कॉन्फ़िगरेशन, इसको सही करके लिखना पड़ेगा आपको जीनोन 54 4F7 5D1 एंड 6S2, रीअरेंजमेंट कर दिया मैंने, ये दिस वन इज द करेक्ट वन। थर्ड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 64, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं बेटा, इसी को नंबर 5 लिख रहा हूं मैं, ये देखो आप नंबर 4 एक्सेप्शन इज देयर, इफ द लास्ट थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर इन टर्म्स ऑफ F2 और D0, ये भी गलत है, इसको सही करने का तरीका अगेन आपके पास लिख देता हूं मैं, NH2 N-2 F1 N-1 D1, दिस वन द करेक्ट वन, इसको आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हमने लिखा CE58 कॉन्फ़िगरेशन, जीनोन 54 6S2 4F2 5D0 रॉन्ग, शुड बी 54 4F1 5D1 6S2 करेक्ट वन,
लास्ट थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर इन टर्म्स ऑफ D4 गलत है उसे D5 करेंगे, D9 गलत है उसे D10 करेंगे, F8 गलत है उसे F7 करेंगे, F2 गलत है उसे F1 करेंगे, वो D में ट्रेंड होता रहेगा बेटा। एक्सेप्शन 5, एक्सेप्शन 5 हो हमारे पास, एक्सेप्शन नंबर 5, लास्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर इन टर्म्स ऑफ NH2 N-1 D9 सॉरी T8, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस शुड बी चेंज इन टू मस्ट बी चेंज into N-1 D10 NS0. Suppose for an example 48 cadmium लिया बेटा हमने, ये लिया 46 लिया बेटा PD 46 लिया, ये तो this will be हमारे पास krypton 36 5s2 and 4D8, 36, 38 or 8, 46, this one is the wrong one, this should be changed into krypton 36, 4D8 ki jagah par 4D10 ho jayega beta aur ye 5S pura zero ho gaya. One more exception, 5D8 galat hai उसे D10 करना पड़ेगा, D9 गलत है उसे D10 करना पड़ेगा, F8 गलत है उसे F7 करना पड़ेगा, F2 गलत है उसे F1 करना पड़ेगा। अब आपके पास लास्ट वन एक्सेप्शन, ये नॉर्मल जो एक्सेप्शनली जनरली पूछा जाता है उन एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं बेटा, वैसे एफ ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं लेकिन हम नॉर्मली जो नॉर्मलाइज पूछता है बेटा जनरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो लास्ट वन एक्सेप्शन इज 6, सुपर एक्सेप्शन, सुपर एक्सेप्शन, थोरियम बेटा, ये एक्टिनॉइड्स का पहला एलिमेंट है तो इसे एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में जो भी ग्रुप एलिमेंट एफ ब्लॉक को बिलोंग करेगा उसके एफ सेल में इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, डी ब्लॉक है तो डी में इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, पी ब्लॉक है तो पी में इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल। However, this is supposed to be the super exception, reason being, although it is a f block element, yet it doesn't contain any single electron in its f orbital. Very theoretically proved है, हम इसको justify नहीं कर पाएं, reason कुछ नहीं है इसका, हम ये नहीं बोलेंगे कि reason है कुछ, reason में ये है कि आपके पास proved किया गया बेटा, थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, जैसा भी है, लेकिन ये आपके पास रीजन, इधर देखो बेटा आपके पास आर एन आपके पास आ गया 86 और आपके पास आ गया 7s2 और आपके पास आता है 5f2, 86, 88 और 2 उसके बाद आता है 6d0, ये कंपाउंड का ये एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन गलत है बेटा, देयर शुड बी 86 देयर आफ्टर 5f2 बोथ द इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टू 6d, तो दिस इज 6d2 एंड 7s2 और 5f0 इज द सुपर एक्सेप्शन ऑफ थोरियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक प्रॉपर तरीका था, कहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, क्या इसके एक्सेप्शंस थे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर टेकन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट टॉपिक 2, टॉपिक 1 में हमने किया डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस एंड एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम चल रहे हैं टॉपिक 2 में जहां पर हम डिफरेंट टाइप के एनर्जी निकालते हैं और एनर्जी के टर्म्स में क्या बहुत सारी चीजें रिलेटेड होंगी बेटा कैसे, तो आप एक बार पहले समझ लेते हैं हम EN एनर्जी ऑफ, अच्छा बोर बरी प्रिंसिपल हम दूसरे भाषा में लिखते थे इसको,
बोर प्रिंसिपल्स अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आर हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस टू एंड बी प्लस थ्री ओनली दीज ऑल आर द मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोरबरी प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड फॉर डाई इलेक्ट्रॉनिक ट्राई इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए काम नहीं करेगा केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए काम करेगा एंड फॉर दीज एटमिक नंबर ऑफ जेड हाइड्रोजन इक्वल टू वन फॉर टू फॉर लिथियम थ्री फॉर बी फोर एटमिक नंबर दिस इज सिंबलाइज बाय जेड एक टेक्निकल पॉइंट था हमारे पास EM एनर्जी ऑफ NH सेल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज ऑलवेज इक्वल टू हम नॉर्मलाइज इसकी बात कर रहे हैं कि EM का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन जेड इक्वल टू सेल नंबर एटमिक नंबर एन इक्वल टू सेल नंबर ये जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड एन इक्वल टू सेल नंबर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट वन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक और फॉर्मूला आ जाएगा बेटा EN का माइनस 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ओवरऑल आपके पास ये जूल में बन जाएगा कूलम्स मतलब इन द सेंस तो हमारे पास आ गया ये माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर 2.18 into 10 की पावर माइनस 18 is known as the Rydberg constant. रिडबर्ग ने बताया कि रिडबर्ग कांस्टेंट दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट आर इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ये इसकी वैल्यू आ गई 2.18 into 10 की पावर माइनस 18 Rydberg constant. It is therefore, in short, we can say that R Rydberg constant into Z square by N square is the energy of NH cell of any of the hydrogen-like species. Hydrogen-like species, unke liye Z for hydrogen 1, for helium this is 2, for lithium it will be 3 and for B it will be 4 और किसी के लिए भी जो सेल होगा उसके हम रख देंगे फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल हम आराम से निकल देंगे दैट इज अ सिंपल पॉइंट नंबर टू ये एक होगा आप कॉपी कर सकेंगे इसको अब देखिए सेकेंड थिंग इज द टोटल एनर्जी एनर्जी हमारे पास जो निकाला हमने उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करें बेटा नंबर मैंने लिखा बी पार्ट इसका टोटल एनर्जी ऑफ सेल या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल ईटी इक्वल टू आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन रेडियस अभी निकालेंगे बेटा वन एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू प्लस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन नंबर टू सो ई टी इक्वल टू ET equal to
sum of potential and kinetic becomes minus ZE square upon RN. ZE square upon RN, half ZE square upon RN. इसका मतलब हो गया कि ET equal to ZE square upon RN P है, तो minus PE upon 2. PE upon 2 is minus PE upon 2. Is the total energy of system, क्योंकि ZE square upon RN आपको दिख रहा है, ZE square upon RN half already है बेटा, तो ET की जगह पर हम PE upon 2 भी लिख सकते हैं. अब पॉइंट ये है कि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में आरएन का क्या फैक्टर आया, और आरएन जेड वही है, इलेक्ट्रॉन आपके पास ये है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वन पॉइंट आपके पास 6×10⁻¹⁹. ये ई की वैल्यू आ गई, और हमने जेड एटमी नंबर है, आरएन की वैल्यू निकाल रहे बेटा, हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ ये बेटा आपके पास फॉर्मूला दो, आपके पास पी अपॉन टू हम रिलेट कर सकेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में. ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस पॉइंट को आगे लेके. थर्ड पॉइंट इज रेडियस ऑफ एनएच सेल. रेडियस ऑफ एनएच सेल of hydrogen like species, of hydrogen like species, this is always equal to RN equal to N square H square. वो फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे चलेगा, सिंपल आप लिखिए इसको 0.529 into N square by Z. ये this will be in angstrom, RN का फॉर्मूला. For hydrogen, it will be 0.529 N1 or Z1 for hydrogen. So for hydrogen, ये आ जाएगा. For RH, it will be equal to 0.529 angstrom. तो hydrogen के अलग-अलग cell के लिए अगर हम RN, ये R1 हो गया. First cell के लिए बात हुई. Hydrogen के first cell for hydrogen. NH cell for hydrogen अगर हम बात करेंगे बेटा, तो this will be R1 into N square. सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास. हाइड्रोजन का कोई भी सेल बोलेगा हाइड्रोजन के लिए, तो R1 की वैल्यू 0.529 into N square आ जाएगा. कभी भी RN के टर्म्स में हम वो निकाल सकते हैं. अब रिलेट करते बेटा इसको, अलग अलग रिलेशन लेते हैं, किस टाइप का रिलेशन किस में होता है, और अगर हम हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल का रेडियस दिया है, हमें हीलियम का सेकंड सेल का निकालने को बोलेगा, लिथियम का निकालने को बोलेगा, बेरिलियम प्लस फोर का निकालने को बोलेगा, अलग अलग का रेडियस निकालने को बोलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसे समझ पाते हैं, हम रिलेशन कैसे निकालेंगे हम. अब इनको थोड़ा सा डी पॉइंट में चलते हैं आपको. फॉर डी रिलेशन बिटवीन energies of different hydrogen species, between energies of different hydrogen like species, different hydrogen like species, we have just calculated, yeah, you have just derived formula for En equal to R minus R into Z square upon N square. ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया थोड़ी देर पहले. अब इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम अलग फॉर्मूला बना रहे हैं. सपोज कर लीजिए ई एच ऑफ हाइड्रोजन है बेटा, ई एच हाइड्रोजन, दो केस टाइप वन टाइप टू कर लेते हैं इसको. ये टाइप वन एंड देयर आफ्टर टाइप टू. टाइप वन When cell number same, अगर cell number same होगा, n same है, तो formula हमारे पास relate कैसे करेंगे? देखिए, En for EH लिखा पहले, energy of hydrogen for nth cell equal to minus R into 1 upon n square. Equation 1 for helium
प्लस इट विल बी माइनस आर इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, जेड इक्वल टू टू फॉर हीलियम, जेड इक्वल टू वन फॉर हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा फोर बाय एन स्क्वायर। सिमिलरली फॉर ई इक्वल टू एल आई प्लस टू इट विल बी माइनस आर इंटू नाइन बाय एन स्क्वायर थ्री। फॉर बी ई प्लस जेड इक्वल टू थ्री, जेड इक्वल टू फोर, फॉर बी बी प्लस थ्री इट विल बी माइनस आर इंटू सिक्सटीन बाय एन स्क्वायर। नाउ वी कैन रिलेट दिस हाइड्रोलाइट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोलाइट स्पीसीज विद ईच अदर लाइक दिस मैनर। E of hydrogen, number one relation, E of H by E of helium plus must be equal to, अब देखिए ये cancel हो जाएगा, आपका minus का cancel 1 by 4, तो ये 1 by 4, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि helium के किसी भी cell की energy hydrogen के same cell से 4 times ज्यादा होगी। E of helium for NH cell must be 4 times higher than that of the energy of the same cell of hydrogen. यहाँ पर second point आया EH by E of Li plus 2 must be equal to 1 by 9 means lithium के किसी भी cell, lithium plus 2 के किसी भी cell की energy hydrogen के same cell से 9 times ज्यादा होगी। हमको लिथियम दिया गया है, हाइड्रोजन निकालने को बोल सकता है, हाइड्रोजन दिया गया है लिथियम निकालने को बोल सकता है। नंबर थ्री, ई एच बाय ई ऑफ बी ई प्लस थ्री मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय 16। अच्छा नंबर फोर, ई ऑफ हीलियम प्लस बाय ई ऑफ एल आई प्लस टू मस्ट बी इक्वल टू 4 बाय 9। ये देखिए ये 4 बाय 9 निकल रहा है। In the similar way, number 5, E of helium plus by E of B plus 3 must be equal to 4 by 16, this is 1 by 4. Achha, एक बार relation ले सकते हैं हम लोग, E of Li plus 2 by E of B plus 3 must be equal to 9 by 16, ये relation हम लोग हैं, different type of relations. अच्छा इसी में अगर मैं ये नोट करके लिखूं फॉर डिफरेंसेस बी पार्ट, इसी का मतलब सेकंड पार्ट बी लिख रहा हूं इसको। फॉर डिफरेंसेस अगर सेल नंबर है डिफरेंट हो, डिफरेंट सेल नंबर और डिफरेंट स्पीसीज, देन हमारे पास यही है, सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन है, इसका एनएच का स्क्वायर और ये हीलियम का एन एच प्लस का स्क्वायर होगा, तो अब ये एन कैंसिल नहीं होंगे जो इससे पहले होगा, केवल आर कैंसिल होगा, तो हमारे पास इसी बिल्कुल यही फॉर्मूला बन जाएगा। आपको मैं लिखा दूं यहां पर ई ऑफ हाइड्रोजन इक्वल माइनस आर इंटू आपके पास आ गया है 1 बाय एन एच का स्क्वायर इक्वल टू 1, ई ऑफ हीलियम प्लस मस्ट बी इक्वल माइनस आर इंटू 1 by n h plus का स्क्वायर। अगर हम रिलेट करते हैं आप दोनों को तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा e of h by e of h plus must be equal to r cancel इसके सेल अप सॉरी 4, तो दिस विल बी 1 by 4 into n of h plus का स्क्वायर by n of h का स्क्वायर। अगर मैं इसी में लिखता हूं इसका रिलेशन सपोज कर लीजिए, तो इसके सेल ऊपर इसके सेल नीचे उसका स्क्वायर निकलेगा, तो सिमिलर वे हम बना सकते हैं आदर्श का भी, एक सिंपलेस्ट लॉजिक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट चेक कर लेते हैं, क्या आया हमारे पास, ये देखिए आप इसी को आगे बढ़ाते पॉइंट को चेक कर लेते क्या क्या हुआ, और सिमिलर टाइप का रिलेशन होगा रेडियस के लिए, मतलब उसके बाद करेंगे आप, पहले आप एनर्जी के रिलेशंस किए आपने, एनर्जी के रिलेशंस के साथ आपके पास आ गया है रेडियस का रिलेशन, रेडियस
of आयन का फॉर्मूला हमारे पास ये था रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन स्पीशीज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन स्पीशीज ये हमने आयन का फॉर्मूला लिखा था आर एन इक्वल टू 0.529 into n square by j ये फॉर्मूला आया था हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले को आ गया n square में हमारे सारी वैल्यूज तो अगर हम इसको आर एच के टर्म्स में लिखते हैं नंबर वन आर एच हाइड्रोजन बिल फॉर 0.529 into n square by 1 इसको हम nx का स्क्वायर लिख देते हैं दिस इज द nx स्क्वायर अपॉन 1 For helium, RHe plus equal to 0.529 into NHe plus ka square, HE plus ka square over 2. In the similar way, agar hum isko likhte hain beta, R of Li plus 2 equal to 0.529 into N of Li plus 2 ka square. By 3 in this similar way इसका relation अगर हम relate करते हैं so RH by R helium plus का अगर हम relate करते हैं तो relate करते हुए ये cancel हो गया बेटा ये 2/1 हो गया सीधा 2/1 into आपके पास आ गया NH का square 1 upon ये आपके पास था divide करना दोनों को ये आपके पास अपॉन ये तो 2 ऊपर और ये आपके पास नीचे आ गया तो हमारे पास किसका सम वही रहेगा nx का स्क्वायर अपॉन n ऑफ he प्लस का स्क्वायर इन द सिमिलर वे अगर हम r हीलियम प्लस और r लिथियम प्लस को रिलेट करते हैं दोनों को तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा बेटा देखिए हीलियम और लिथियम प्लस को रिलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्वा 3/2 ये 3/2 आएगा इनटू आपके पास आएगा एन ऑफ हीलियम प्लस का स्क्वायर जो भी इसका सेल था बाय एन ऑफ एलआई प्लस 2 का स्क्वायर ये बड़ा आपके पास इन द सिमिलर वे वी कैन जस्ट मेक द रिलेशन ऑफ अदर स्पीशीज विद ईच अदर आल्सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन different hydrogen species in terms of radius. If the cell number of same, then 2/1 ये हट जाएगा. Cell number same होंगे, तो ये हट जाएगा. और आपके पास cell number different हो, तो हम cell number की value रख देंगे. और एक का relation दिया, एक का radius दिया रहेगा, दूसरा का radius आ जाएगा हमारे पास. तो relation of different hydrogen species is the likewise this one. Go ahead. Now we start the topic number 3 for hydrogen spectrum. Hydrogen light spectrum. As you know, the spectrum beam of light strike in a particular point by making different waves. So after that. हाइड्रोजन लाइन स्पीसीज आपके पास है बेटा इसके लिए भी हाइड्रोजन लाइन स्पीसीज है इनका आपको ये मालूम है फटाफट एक ये बनाते हैं ये आपको मालूम है n इक्वल टू 1 सेल नंबर 1 ये सेल नंबर 2 दिस वन इज द सेल नंबर 3 सेल नंबर 4 सेल नंबर 5 सेल नंबर 6 एंड सेल नंबर 7 या इनफिनिटी लिमिट बोलेगा इंफिनिटी 2 n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 5 6 n इक्वल टू 7 दिस वन इज द एनर्जी n इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर स्पेक्ट्रम की बात करें तो हम दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं टेक्निकली हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो दो टाइप का स्पेक्ट्रम एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक एमिशन स्पेक्ट्रम
absorption spectrum and emission spectrum. Absorption spectrum means, suppose चले जी हमारे पास दो चलिए हम न्यूक्लियस है n equal to 1, this one is n equal to 2. Second cell की energy first cell से ज्यादा होगी. अगर कोई इलेक्ट्रॉन n equal to 1 में है, अगर ये transit करके n equal to 2 में जाना चाहता है, तो देखिएगा ये n equal to 2 में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में. यानी कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, तो उसकी मैंडेटरी दो कंडीशन होनी चाहिए. नंबर एक, जहां जाना चाहता है वहां पर वैकेंसी होनी चाहिए. मतलब अगर सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 होते हैं, आपके मान में 2s पेयर से अगर 8 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में नहीं जा सकता एक्साइट करके. अगर हमारे पास सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एग्जिट करके एक्साइट करके सेकंड सेल में आ सकता है. तो पहली कंडीशन होगी कि जगह होनी चाहिए खाली, खाली जगह होना चाहिए. दूसरा, आपके पास इलेक्ट्रॉन जाना है उसने खाली जगह रख रखी, खाली जगह जाएगा. दूसरा, इस इलेक्ट्रॉन जो n equal to 1 का इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसकी एनर्जी कम है और n equal to 2 की एनर्जी ज्यादा है. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इस इलेक्ट्रॉन को सेकंड सेल में रिवॉल्व करने की परमिशन तभी मिल सकती है जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वल हो जाए. दो कंडीशन, एनर्जी इक्वल होनी चाहिए न ज्यादा न कम. दूसरा, वैकेंसी होनी चाहिए तब जाएगा. तो लोअर एनर्जी स्टेट से जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो उस समय एक सर्टेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा. एब्जॉर्ब करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस जगह से इजेक्ट होते रहते हैं, वहां जाकर रुकते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा. दैट टेक्स प्लेस व्हेन लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट. ठीक उल्टा, अगर हम ये मान के चलते हैं, ये हमने ये लिखा, ये n equal to 1 और ये n equal to 2, हम ये मान के चलते हैं n equal to 2 का इलेक्ट्रॉन n equal to 1 में आता है. अगेन वही कंडीशन, कोई इलेक्ट्रॉन है कहीं से भी आ रहा हो, अगर n equal to 1 में आ रहा है, तो यहां पर वैकेंसी होनी चाहिए. दूसरा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जहां जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होनी चाहिए. मतलब यहां पर एनर्जी ज्यादा थी बेटा, इस सेल की एनर्जी कम है, तो ये जाएगा तो कुछ एनर्जी को एमिट करते हुए जाएगा, तो ये कुछ लॉस करेगा. लॉस करने के बाद जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट सेल में रोटेट करना शुरू कर देगा. पॉइंट ये केवल ये है, यहां पर एनर्जी लॉस हो रही है, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए नाम रख दिया एब्जॉर्प्शन एनर्जी और एमिशन एनर्जी. पॉइंट केवल ये है कि जितना एनर्जी n equal to 1 से n equal to 2 में जाते हुए चाहिए, उतनी एनर्जी n equal to 2 से n equal to 1 में जाते हुए लिबरेट होगी, हमेशा इक्वल होगा. ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मस्ट बी इक्वल टू एमिशन एनर्जी फॉर द सेम ट्रांजिशन. हमेशा सेम ट्रांजिशन की एनर्जी होगी, चाहे वो एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो. बस कंडीशन वही है कि क्या कंडीशन हो सकती है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम का. अच्छा, अगर सपोज कर लीजिए हम एब्जॉर्प्शन एनर्जी नहीं कर रहे, हम एमिशन एनर्जी कर रहे, तो कोई इलेक्ट्रॉन n equal to 2 से ट्रांजिट होकर n equal to 1 में आता है, फिर 3 से भी 1 में आता है, 4 से भी 1 में आता है, 5 से भी 1 में आता है, 6 से भी 1 में आता है, 7 से भी आता है, और इंफिनिटी से भी आता है, पॉसिबल है. अच्छा, इनके सिमिलर हुए, कोई 3 से आपके पास यहां आता है, 4 से और इंफिनिटी से, इनके सिमिलर हुए, ये आपके पास ये आपके पास आता है. थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन इवन फ्रॉम इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन आके n equal to 1 में होता है, इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज. दिस इज अ बाल्मर सीरीज. दिस इज पास्टन. दिस इज ब्रैकेट. थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. अब अगर हमारे पास इस वैल्यू को मैंने हमने बनाया बेटा, तो यहां पर
डायमंड सीरीज के लिए जो फाइनल सेल होगा वो एन इक्वल टू वन, बामर सीरीज का फाइनल, ये विजिबल लिख जाए, ये विजिबल लिख जाए, ये अल्ट्रावायलेट लिख जाए, ये आपके पास इंफ्रारेड है और ये आपका रेडियो और टेलीविजन वेव्स है, रेडियो और टीवी वेव्स। इसके आपके पास डाउन जाएंगे, इसके डाउन में आपके पास एक्सरे आ जाएगा, फिर आपके पास गामा रे जाएंगे, फिर क्वार्ट्ज रे दे जाएंगे। डाउन जाते हुए वेवलेंथ लगातार कम हो रही है, तो वेवलेंथ हाईएस्ट आपके पास रेडियो और टेलीविजन वेव्स से आएंगे। अच्छा पॉइंट केवल यह है कि हम नॉर्मलाइज प्लेन की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एनर्जी के टर्म्स में, तो फोटोन के एनर्जी की बात करेंगे। उदाहरण सपोज कर लीजिए, हमने एक फॉर्मूला लिखा था पीछे आपके पास E = फॉर्मूला, ये हमने बना दिया। अब इनमें से हमें यह पता करना है, ये विजिबल रीजन है, कोई भी लाइट यहां दिखेगी आपके पास विजिबल रीजन, पर्सन ब्रैकलेट पी फंड इंफ्रारेड है, उसके बाद फार इंफ्रारेड यानी कि आपके पास रेडियो और टेलीविजन वेव्स आएंगे, ये UVI, then X-ray, then gamma ray, and then cosmic rays, wavelength down होते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, जो हमने बनाया ये, इसमें पर्सन की वैरायटी क्या होता है इसको समझाते हुए। सपोज कर लीजिए आपको बोलता है n equal to 4 से n equal to 2 में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। सपोज n equal to 4 to n equal to 2 में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके आ रहा है, एनर्जी एम में कितनी हुई करके पूछेगा आपके पास। इसको हम इनिशियल सेल ले लेते हैं बेटा, और जहां जाएगा वहां पर हम फाइनल सेल ले लेते हैं। आपको मालूम है इससे एनर्जी ज्यादा है, इसके एनर्जी कम है, हमारा एक ही फॉर्मूला सब जगह पर E = पीछे में लिखा हुआ है -2.18 × 10⁻¹⁸ × Z² / N² एक ही फॉर्मूला सब जगह पर, इतना जरूर। इसका मतलब हो गया अगर हम ENI लिखते हैं, ENI देखते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा -2.18 × 10⁻¹⁸ × Z² / Ni² Ni = 1। सिमिलरली ENF = -2.18 × 10⁻¹⁸ × Z² / Nf² 2। Differential energy del E equal to ENI minus ENF। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 2.18 × 10⁻¹⁸ × 1 / Nf² - 1 / Ni² × Z² ये बेटा। हम इस फॉर्मूले से सारे डिफरेंस ऑफ एनर्जी, अगर यही क्वेश्चन पूछेगा n equal to 2 से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके n equal to 4 में गया तब एनर्जी बताओ, तो हम तब भी यही एनर्जी आएगी क्योंकि डिफरेंस सेम रहेगा, वो एब्जॉर्प्शन एनर्जी हो जाएगी, अभी वो लिमिटेड एनर्जी होगी, तो डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा, तो सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड फॉर द पर्पस आइदर फॉर द एब्जॉर्प्शन और फॉर द, अगर क्वेश्चन पूछता है 2 से 4 में बताओ तब भी तो यही फॉर्मूला रहेगा, हमने कुछ बदलना ही है, एक ही जैसा फॉर्मूला है, कंफ्यूज समझना यही है हमको। अच्छा अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा वेवलेंथ में बदलते हैं, सेम चीज इसको वेवलेंथ में बदलते हैं, तो सिंस आपको मालूम है फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, न्यू फॉर आपके पास फ्रीक्वेंसी, तो ई पर हम लिखते हैं इसको SC/λ, तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा SC/E। ये अगर इसको सॉल्व करता हूं मैं SC/E को, ई लैम्डा इक्वल टू SC/E को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू आपके पास आता है 6.626, जो भी वैल्यू है इसकी 6.626 × 10⁻¹⁴ × 3 × 10⁸, ये आपके पास अपॉन एनर्जी, और आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है दिस वाली एनर्जी, तो E लिख देंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ये वाला, तो आपके पास 1/λ के टर्म्स में लिख देते हैं।
will start the velocity of electron present in any other cell of hydrogen like species. Velocity V of electron Vn equal to Vn generally बेटा जो Vn है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग velocity की बात करिए बेटा velocity of electron present in any nth cell equal to 2 pi Ze square upon nh 2 pi Ze square upon आपके पास बेटा आपको समझना थोड़ा सा nh ये velocity किस लिए velocity अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो this will become हमारे पास 2.18 into 10 की पावर 6 into Z by N मीटर पर सेकेंड ये राइट है किस लिए Vn for any of the electron present in particular cell of hydrogen species हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 2 pi Ze square upon NH एक और पॉइंट नंबर 2 एक चक्कर यानी कि एक रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम चाहिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन वन रिवॉल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रॉन by an electron present in an cell is always equal to 2 pi r upon Vn 2 pi r upon Vn time required time n equal to 2 pi r n upon आपके 2 pi r उसका circumference हो गया आपको मालूम है और आपके पास time चाहिए तो this will be Vn ये बात 2 pi r n upon Tn time for one revolution required for an electron present in nth cell equal to 2 pi r upon Vn time required तीसरा पॉइंट लिखे बेटा इसमें number of revolutions per second 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 equal to Vn upon 2 pi Rn बिल्कुल उल्टे बस 1 upon time revolutions के लिए Vn upon 2 pi Rn हमारे पास रहेगा हम इससे अकॉर्डिंग में नंबर ऑफ revolutions पर सेकंड निकाल सकते हैं एक revolution कंप्लीट में कितना टाइम निकला वो निकाल सकते हैं और Vn equal to हमारे पास हम भी निकाल सकते हैं कि उसका रिस्पेक्टिव वेलोसिटी कितनी है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट इन एनी सेल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नाउ मूविंग ऑन द सेकंड पैटर्न हियर टॉपिक नंबर 4 टॉपिक नंबर 4 वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक नंबर 4 दैट इज हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट आ गया बेटा क्वांटम नंबर्स This is quantum numbers. Quantum numbers means एक one line अगर हम बोलना चाहें this is the postman of an electron. Postman of an electron. Postman of an electron means electron कौन से cell में है, कौन से subcell में है, किस ओरिएंटेशन में घूम रहा है किस ऑर्बिट में और उसका डायरेक्शन रोटेशन कौन सा ये चार चीज बता रहा है तो पोस्टमैन ऑफ इलेक्ट्रॉन का टेक्निकल मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल नंबर पे घूम रहा है उस सेल के अंदर कौन से सबसेल में घूम रहा है एस पी डी एफ उसके अंदर फिर किस ऑर्बिटल में वो रह रहा है जैसे हमारे पास पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल हो गए और उसके बाद उसका डायरेक्शन रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या एंटी क्लॉक वो सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन देने वाला नंबर का सेट है बेटा दैट सेट ऑफ नंबर इज नोन एज द क्वांटम नंबर इट इज बेसिकली ऑफ फोर टाइप्स वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर टू एजिमुथल क्वांटम नंबर Number three, magnitude.
4 is spin button number. Yeah, guys. It is symbolized by N. Azimuthal quantum number is symbolized by N. Magnetic quantum number is symbolized by M or ML. Or ML. Spin quantum number is symbolized by S or MS. Yeah, guys. थोड़ा सा समझ पाते हैं. तो इस बार quantum number N. Azimuthal quantum number L. This represents cell. ये cell बताया होगा. ये बताएगा आपको सबसेल. ये सेल का मतलब आपके पास n इक्वल टू 1 2 3 4 वही k l m n आ गया. सबसेल आपको बताएगा s p d f g s भी आ गए, वो अभी आपके पास नहीं है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताएगा आपका ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन यानी कि ऑर्बिटल. स्पिन क्वांटम नंबर ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आइए टुवर्ड्स क्लॉकवाइज और टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन बताएगा. ओरिएंटेशन अब इसको दूसरी भाषा में बोलूंगा मैं इसी चीज को तो आप लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर का अब हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं. इसको समझना आपको ऊपर लिख दिया अभी. इसको आगे बढ़ाते हैं. ये एन लिखा ये एल था. दिस इज एम दिस इज एस. तो हमने एन को लिखा था ये कि सेल बताता है. इसका मतलब ये साइज के बारे में बात करता है. इसका मतलब साइज की दूसरी बात में तो ये रेडियस बताता है. ये बताता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेल. एंगुलर मोमेंटम एन इज अपॉन टू पाई एन फॉर सेल नंबर. ये बताता है आपके पास शेप. एस हैज स्फेरिकल शेप. पी हैज डंबल सॉरी पी आपके पास डंबल बी डबल डंबल एंड एफ का शेप डिफाइंड नहीं है. वो शेप भी बताता है. मतलब आपके पास ये सबसे के साथ साथ आपको शेप भी बताएगा एन वाला. अच्छा दूसरा पॉइंट एम बताता है ओरिएंटेशन. वो लिख दिया आपने. ओरिएंटेशन का मतलब ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. और एस बताएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मींस आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आइदर क्लॉकवाइज either clockwise or anti-clockwise rotation. ये बताया आपके पास. अच्छा अब पॉइंट हुआ हमारे पास और ये आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है. ऑर्बिटल दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम यानी कि mbr. दिस इज mbr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम orbital angular momentum equal to root n into m plus 1 h upon 2 pi. ये बता आपके पास. और आपके पास डिफरेंट तरह का क्वांटम नंबर सामने रखा हुआ किसकी वैल्यू क्या है. तो आप एक और पॉइंट क्लियर करते हैं कि इसी के हिसाब से हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करते हैं बेटा. ये हमारे पास इसको लॉजिकली क्लियर करते हैं क्वांटम नंबर के हिसाब से. थोड़ा सा पॉइंट जो m है m की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है. n l m n s जो l है वो हमने लिख दिया. कौन कौन सी वैल्यू होती है वो लिख दीजिए. n is never equal to zero. n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 आई होगी बेटा. वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स अपॉन n. तो n इक्वल टू हमेशा 0 टू n माइनस 1. और m के लिए आपके पास हमेशा वैल्यू माइनस l 0 टू प्लस l. ऑर्बिटल्स n फॉर s इस वैल्यू विल बी आइदर दो इलेक्ट्रॉन है ये और ये. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हाफ से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस हाफ से. ये बेटा आपके पास. अब पॉइंट ये है कि n इक्वल टू वैल्यू क्या है l की वैल्यू क्या है. तो सिंपल इस क्वेश्चन ले लेते हैं. पहले
फोर तो चलो एन इक्वल टू हमको थ्री बोला तो एन की वैल्यू हमारे पास जीरो वन For different value of L, the value of M will be different. Suppose के लिए L की value 0 है, तो M की value आपके 0. इसके value अगर 1 होगी, तो minus 1, 0 to plus 1. अगर 2 होगी, तो minus 2. तो इसको थोड़ा समझ पाते हैं हम लोग. Suppose के लीजिए, अब हमारे पास ये logic आया कि अगर L की value मेरे पास L equal to कहीं पर 0 है, तो M की value भी 0 होगी आपके पास और इसमें एक box होगा यानी कि ये orbital होगा इसमें दो electrons involved होंगे ये अगर बेटा दूसरा L equal to अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये question पूछता है this is a very important question frequently asked in the examination आपको पूछेगा M की value minus 1 0 और plus 1 हो गई क्वेश्चन ये तीन आपको मालूम चल गया तीन ऑर्बिटल्स अब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन ये तीन ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है तो आपको समझना पड़ा जो ये ऑर्बिटल है ये माइनस वन ये पीएक्स भी हो सकता है और ये पीवाई भी हो सकता है ये देखिए ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल का नाम बेटा इस ऑर्बिटल हमेशा पीजेड है ये पीजेड है जबकि ये वाला ऑर्बिटल अगेन पीवाई हो सकता है या फिर ये पीएक्स हो सकता है दिस इज ऑल अबाउट आपको पूछेगा M के तीन ऑर्बिटल्स में से PZ की वैल्यू क्या है तो दिस इज ऑलवेज जीरो PX और PY में भी इंटरचेंज अगर ये माइनस वन PY है PX लिखा आपने तो ये PY प्लस PY है मतलब माइनस वन इन दोनों में से किसी एक के लिए तो प्लस वन भी इन दोनों में से किसी एक के लिए लेकिन PZ बिल्कुल फिक्स रहेगा इन द सिमिलर वे अगर L इक्वल टू 2 लिखा आपने तो M की वैल्यू आपके पास होती है माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2 ये आपके पास है ये आपके पास है आपको ये फाइव ऑर्बिटल्स ऑफ डी को दिख रहे होंगे पांच रिप्रेजेंट डी ऑर्बिटल तो ये माइनस टू माइनस वन जीरो ये सबसे बड़ी चीज ये डी जेड स्क्वायर है मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इसको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर ये केवल डी जेड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला जो माइनस टू और ये है बेटा ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है जबकि जो ये माइनस वन है बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा डी एक्स जेड और डी वाई जेड ये माइनस टू इन दोनों में से कोई एक को रिप्रेजेंट करेगा माइनस वन इन दोनों को जबकि डी जेड स्क्वायर एक ही को रिप्रेजेंट करेगा ये अगेन आपके पास डी वाई जेड और डी एक्स जेड जबकि ये लास्ट वन जो प्लस टू है दिस रिप्रेजेंट आइदर डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखिए पांच बॉक्सेस होंगे उनमें से किस ऑर्बिटल का क्या रिप्रेजेंटेशन है ये क्वेश्चन पूछता है आपको सपोज कर लीजिए इन एल इक्वल टू फॉर एम इक्वल माइनस टू व्हिच ऑर्बिटल रिप्रेजेंट डी ऑर्बिटल तो आंसर इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर जीरो इट विल बी ऑलवेज डी जेड स्क्वायर फॉर हियर M equal to 0, it will always represent the PZ. This is the orientation of the different orbitals of quantum number. ये आपके पास quantum number का एक scenario था, किसका orbital का नाम क्या पूछ सकता है, वो एक point था बड़ा. थोड़ा सा point को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन orbital का अपना अपना नाम है, हम randomly place नहीं कर सकते हैं. दूसरा type, अगर हमने quantum number को second type में पढ़ा, type 2, quantum number के different type में question आएंगे बड़ा, इनमें से type टू पढ़ा हमने ये टाइप वन था आपका टाइप टू में हमने ये पढ़ा फॉर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टाइप टू में आप पूछेंगे बेटा एक सबसे बड़ी चीज एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू जीरो वन टू एंड थ्री ये आपके पास L for S की वैल्यू हमेशा 0, for P it will be 1, for D it will be 2, for F it will be 3. Suppose करिए question step का पूछा आप, आपको पूछा है 3P5, electron का address है, 3P5 number, correct set of quantum number for the following, this is the correct set of quantum number, ये पूछा आपको, तो correct set का मतलब हो गया, N equal to 3, आपके पास आ गया, ये जो सेल नंबर दिया है बड़ा वो एन इक्वल टू 3 अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि जब एन इक्वल टू 3 होने पर एल की वैल्यू 0 1 2 3 होगा ये तब होगा जब केवल 3 है उसके पीछे सबसेल नहीं है अगर ये 3 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 1 एंड 2 होगी बेटा
अगर ये 4 है तो 0, 1, 2, 3 हो गया. लेकिन अगर ये आपके पास केवल सेल के साथ सब सेल भी है, ये देखिए सेल के साथ यहाँ पर सब सेल भी है, तो आप इन n इक्वल टू 3 के लिए ये तीनों वैल्यू नहीं हो सकती, कोई एक वैल्यू होगी दैट रिप्रेजेंट सब सेल. तो आप देखेंगे यहाँ पर l की वैल्यू p के लिए कितनी, 1, तो ये l इक्वल टू 1 हो गया. फॉर p मैं लिख देता हूँ p के लिए y है, अगर ये s होता तो l इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू l पे डिपेंड करती, तो m की वैल्यू होगी -1, 0, 1. ये बेटा इन सबके एनर्जी इक्वल है, तो फिलिंग हम हमेशा -1 से शुरू करेंगे. 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, p1 p2 p3 वंस रूल p4 एंड p5, ये सर्कल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन p5 है. p5 इलेक्ट्रॉन m के कौन से ऑर्बिटल में आके ऑक्यूपाइड कर रहा है, m इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो गई. m की सारी वैल्यूज नहीं है, जहां पर p5 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाइड किया वही ऑर्बिटल m का ऑर्बिटल है. और उसका आप ध्यान से चेक करिए कि जो m का इलेक्ट्रॉन हमने भर्ती किया उसकी मुंडी देखिए, एक डाउनवर्ड्स मुंडी है कि अपवर्ड्स उसका हेड, तो डाउनवर्ड्स है तो ये वैल्यू -1/2 में आ गई. दिस इज m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू 1, तो करेक्ट सेट विल बी n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -1/2. एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, b सपोज किसने बोला 4s2 इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सेम क्वेश्चन, तो दिस विल बी n इक्वल टू 4 बट l इक्वल टू 0 फॉर s. ये देखिए s के लिए है, s की वैल्यू 0 हो गई, तो m की वैल्यू भी आपके पास 0 हो गई. m बनाते आप ऑर्बिटल बनाएंगे s1 एंड s2, तो m की वैल्यू 0 हो गई लेकिन s की वैल्यू -1/2 हो गई. ये आपके पास बेटा, ये आपके पास 4s2 के लिए हमने डिफरेंट क्वांटम नंबर का सेट निकाल दिया फॉर ए 4s2 इलेक्ट्रॉन. ये कभी भी करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर सबसेल के साथ देगा तो हम इस कंसेप्ट को हटा देंगे. n इक्वल टू 3 होने पर 0, 1, 2 नहीं होगा बल्कि कोई एक होगा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे सबसेल की वैल्यू हमेशा. अच्छा बेटा, अब इसी में क्वांटम नंबर का टाइप 3 क्वेश्चन आता है. टाइप 3 क्वेश्चन क्वांटम नंबर में आता है, ये टाइप 3 के लिए आता है आपके पास. विच सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल या इज पॉसिबल. ये क्वेश्चन स्टेप का आएगा, तो इसके लिए एक हिंट है. फॉर पॉसिबिलिटी n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, n हमेशा l से बड़ा होना चाहिए, और l और m की वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन m हो सकता है. अगेन s की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो आपको समझना है n नॉट इक्वल टू 0 कोई भी नंबर हो, n और l में से n को हमेशा बड़ा होना चाहिए, l और n में से n बड़ा हो सकता है लेकिन m l से बड़ा नहीं हो सकता और इक्वल हो सकता है. एक तीन फंडामेंटल पॉइंट से हम किसी भी सेट को एक्सप्लेन कर लेंगे. सपोज करो सेट नंबर 1, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -2 और s इक्वल टू आपको बोला +1. दिस सेट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ n एंड l नेवर बी इक्वल, तो ये सेट आपका गलत हो गया, n इक्वल टू 3 नहीं हो सकता. b n इक्वल टू 4 बोला, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -3, s इक्वल टू +-1/2, ये सेट दिया. तो देखो l इक्वल, यहां पर ये नहीं देखना है कि 2 तो बड़ा है -3 छोटा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मैथमेटिकल वर्जन नहीं है. ये 2 m की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक होने चाहिए, खाली नंबर देखना है, ये माइनस प्लस का सिंबल नहीं देखना, तो ये यहां पर आके गलत हो गया, नहीं पॉसिबल है. सी n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1/2, ये आपके पास ये पॉसिबल है. अच्छा d लिखा मैंने, n इक्वल टू 4, 5, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -1, s इक्वल टू +1/2, पॉसिबल है. ये कौन पॉसिबल कौन नहीं पॉसिबल हम डायरेक्ट पता कर लेंगे. ये एक सिस्टम हो गया, इस सिस्टम को देखते हुए हम डिजाइन कर लेंगे कि भाई किसके साथ क्या मैच कर रहा है, इनमें से कोई किसी के गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये आपके पास करेक्ट सेट है या करेक्ट सेट नहीं है. तो सिंपल पॉइंट ऑफ दैट टाइप 3. टाइप 4,
अच्छा बेटा टाइप फोर में हमारे पास आया, टाइप फोर आपके पास आया, टाइप फोर में ये पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ये पूछेगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. तो हमारा फॉर्मूला आ गया इसके अकॉर्डिंग बेटा. सपोज ये एक उसके लिए तरीका बेटा, हिंट उसके लिए भी ये, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल. एन प्लस एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमथल क्वांटम नंबर को सम करके अगर ज्यादा आता तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा, कम आएगा तो कम है. अगर दूसरा फॉर द टू कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी टू कॉन्फ़िगरेशन, एनी टू कॉन्फ़िगरेशन इफ द वैल्यू ऑफ n plus l equal, then we always consider value of n only and n directly proportional to energy. ये बेटा अगर n और l इक्वल है कहीं पर, और n और l इक्वल, अगर n प्लस l की वैल्यू इक्वल आ गई किसी भी दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो हम हमेशा n देखेंगे. जिसका n बड़ा होगा एनर्जी ज्यादा है वो बाद में आएगा, जिसके एनर्जी कम है वो पहले आएगा. ये दो फॉर्मूले से हम लोग चेक करेंगे कि इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप करेंगे. अब इसे हम नोट कर सकते हैं, लेकिन और हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इसमें ये समझते हैं हम लोग. जैसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है A equal to N equal to 4, L equal to 2, M equal to minus 1, S equal to plus half. ये दिया एक. अच्छा बेटा हम इसको N plus L की जगह बना लेते हैं. ये देखिए यहां से लिखते हैं A N equal to 4, L equal to 3, M equal to minus 1, S equal to minus plus half. तो यहां पर हमने लिख दिया इनका n प्लस एल, ताकि हम आराम से कर पाए. नंबर बी ऑप्शन हमने लिखा बेटा n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 3, m इक्वल टू 2, s इक्वल टू माइनस हाफ. सी ऑप्शन लिखा हमने n इक्वल टू 3, आपके पास l इक्वल टू आपके यहां 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू माइनस हाफ. डी ऑप्शन लिखा हमने n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, s इक्वल टू माइनस हाफ. अब अरेंज करना कि किसके एनर्जी जा रहा है, तो n प्लस l रूल. n प्लस l इसका आ गया फर्स्ट वाले का आपके पास 4 प्लस 3, दिस इज 7. सेकेंड वाले का हमारे पास आ गया 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 दिस विल बी 8. यहां पर आ गया 3 प्लस 2 दिस विल बी 5 एंड 4 प्लस 1 दिस विल बी 5. अच्छा आप चेक करिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, नंबर बी की सबसे कम एनर्जी देखना हमें. तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी 5 और 5, इसमें से n देखिए बस, n इसका छोटा है, ये n बड़ा है, तो n छोटा है तो उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी. तो सी इज सपोज टू हैव द लीस्ट एनर्जी. n इक्वल 4 आपके पास आ गया, ये आपके पास सी, देयर आफ्टर डी, देयर आफ्टर हमारे पास आ गया है ए, एंड हाईएस्ट वन इज द बी. दिस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ असेंडिंग एनर्जी फॉर द डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर. दिस इज ऑल अबाउट, ये आपके पास इस टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी पूछता है नंबर 4. अच्छा बेटा आसान क्वेश्चन, n प्लस l रूल है, n प्लस l इक्वल है, तो हम n को देखेंगे, n बड़ा है तो एनर्जी बड़ी है, तो हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग बोलेगा या डिसेंडिंग बोलेगा. अच्छा इसी में आप समझते हो नोडल प्लेन, क्वांटम लॉ के भी यहां पर नोडल प्लेन भी पूछता है आपको. नोडल प्लेन का मतलब हो गया जहां पर लीस्ट
पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा। जहां पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी रहती है उसका नाम ऑर्बिटल हो गया, जहां पर लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आ गया उसका नाम हो गया नोड प्लेन, यानी कि नोड खाली जगह एम्प्टी स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सपोज टू बी फाइंड आउट। अच्छा, अब हमारे पास आ गया टाइप 5, इसमें नोडल प्लेन नोड्स मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल नोड्स होता है बेटा, स्फेरिकल नोड जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड, एक होता है आपके पास एंगुलर नोड। स्फेरिकल नोड एंगुलर नोड एल है और स्फेरिकल नोड है बेटा एन माइनस एल माइनस वन। अगर मैं टोटल नोड की बात करूंगा, टोटल नोड इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल बिकम्स एन माइनस वन, ये बेटा टोटल नोड्स आ गए। स्फेरिकल नोड एंड रेडियल नोड एंगुलर नोड नोड्स मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम क्वांटम के बिहाफ पर नोडल प्लेन भी निकाल सकते हैं बेटा, किसके नोड कितने होंगे। एंगुलर पूछेगा तो एल की वैल्यू है एसपीडीएफ की, स्फेरिकल पूछेगा तो रेडियल नोड है उसका दूसरा नाम और एन माइनस एल माइनस वन, और ये आपके पास टोटल नोड एन माइनस वन हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे बेटा नोडल प्लेन। अच्छा, अब हमारे पास आता है बेटा क्वांटम के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके पास। अब आता है टॉपिक नंबर 5, कुछ लॉज है हमारे पास। जैसे आपको मालूम है यहां पर डी ब्रोगली प्रिंसिपल है, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, दिस इज द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर वो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये जो डी ब्रोगली है बेटा, डी ब्रोगली का जो वेव लेंथ है एनर्जी के टर्म्स में वेव लेंथ, दिस इज ऑलवेज, देखो डी ब्रोगली ने क्या किया, कंबाइंड फॉर्म है ये, दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी प्लस प्लैंक्स थ्योरी, दोनों की वैल्यू को रिलेट करते हैं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड ई इक्वल टू एच म्यू एस सी बाई लैम्डा फॉर द सेम फोटोन। तो ये डी ब्रोगली बोलते थे कि आप दोनों एक ही फोटोन के एनर्जी के अलग अलग वर्जन है तो दोनों को इक्वल किया जाए तो आपके पास ई सी एम सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा बेटा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। तो आपके पास ये सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू एस सी अपॉन आपके पास एस एम एच अपॉन एम सी, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इफ c एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, इफ सर्टेन वेलोसिटी इज देयर, सर्टेन वेलोसिटी इज देयर, देन लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन mv, mv इक्वल टू मोमेंटम, ये मोमेंटम। अब यहां से आप फॉर्मूला बेस क्वेश्चन हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा तो मास होना चाहिए, मास शुड बी इन केजी, मास केजी में होना चाहिए नहीं तो गलत आंसर आएंगे, और वेलोसिटी मस्ट बी इन मीटर पर सेकेंड, v मस्ट बी इन मीटर पर सेकेंड एंड मास इज इन केजी, अगर ग्राम दिया तो उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। सिंपल पॉइंट, आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन कैसे आएगा।
लास्ट वन आपके पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अच्छा, ये क्या बोलता है? देखो बेटा, ये लॉजिक क्या है? कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, नॉट मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, बहुत कम मास वाला. सपोज कर ले, यहां से कोई कोई विंग आ रही है, यानी कि इन द सेंस आपके पास एक कोई चीज गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है. सपोज कर लीजिए, अगर ये गिर रहा है आपके नजदीक आ रहा है और नीचे गिरने वाला, तो आपने अपने आगे आते हवा मार दी इसको, तो वो जहां पर उसको गिरना चाहिए था थोड़ा सा डिस्प्लेस होके गिरेगा, कुछ नई जगह गिरेगा, क्योंकि उसका मास कम था. तो मास कम होने की वजह से कोई भी बाहर वाला फैक्टर एनर्जी उसको मिल जाएगी, तो वो अफेक्टेड हो जाएगा. तो जिस पोजीशन पे उसको होना चाहिए था उस पोजीशन में नहीं मिलेगा. तो डी, ये जो हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है बेटा, वो बिल्कुल इसी चीज को बोलता है. वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन टेक्निकली ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन जनरल. ये देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. अब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इधर आके अगर स्ट्राइक करती है इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन ने देखो इसको स्ट्राइक किया, तो जो इलेक्ट्रॉन इस रूट पे घूम रहा था, ये देखो, तो उसका रेट ये न्यूक्लियस वही है, बस इसका रूट डेविएट होकर थोड़ा इस टाइप हो जाएगा, घूमेगा. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिसका मास बहुत कम है, कोई भी बाहर से एनर्जी इसको स्ट्राइक करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, लेकिन जिस वेलोसिटी के साथ पहले घूम रहा था, अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इसका मतलब पोजीशन चेंज कर दी उसने अपनी. तो ये बोलता है फिर आपके पास सिंपल पॉइंट, अगर ये छोटा पार्टिकल है तभी पॉसिबल होगा. अगर हम किसी बड़े स्टोन को या हाथी को धक्का मारेंगे तो नहीं हिला पाएंगे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. बहुत छोटा पार्टिकल होना चाहिए, मास बहुत कम होना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आती है तो उसको स्ट्राइक करने के बाद वो अपना रूट चेंज कर सकता है. तो इसका मतलब हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या हुआ, देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल. न्यूक्लियस के चारों तरफ का माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो ये डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई, ये एक्सप्रेशन देता है. यहां पर जो डेल एक्स है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. जो डेल पी है दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम. तो डेल पी का मतलब क्या हो गया आपके आपके, अगर हम इसको करते हैं तो ये एम इंटू डेल बी होगा, मास कांस्टेंट रहता है, तो यहां पर ये एम इक्वल टू हो गया बेटा आपके पास शुड बी इन केजी, मास मस्ट बी इन केजी, डेल बी इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, uncertainty in velocity. ये इसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा बट आपके पास, क्योंकि velocity चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा. अब पॉइंट ये हुआ, डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है, यानी कि डेल एक्स अगर मैं जीरो करता हूं तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन जीरो हो गया. तो इसका मतलब पूछता है आपको, सपोज डेल एक्स इक्वल टू जीरो पूछा, इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन जीरो हुआ. तो किसी ने बोला आपको कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है या आंसर आया है वो बिल्कुल गलत नहीं है. अगर वो बोल रहे बिल्कुल गलत नहीं है तो फिर है क्या, वो सही है, 100% सही है. इन द सिमिलर वे अगर डेल एक्स जीरो होता है तो दिस मींस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो है. इसका मतलब क्या हुआ, और सर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हुई, सर्टेनिटी इन पोजीशन इज 100%. हम पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर हम पोजीशन डिटरमाइन कर पा रहे तो इसका मतलब डेल एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए. और ये कभी भी नहीं बोलता है कि डेल एक्स की वैल्यू जीरो आ सकती है, कभी बोलता है कि कोई भी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को हिट करके
इसकी चेंजिंग पोजीशन कर सकता है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन हमेशा कभी भी सर्कुलर पाथ में नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन हमेशा अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ चलेगा तो अपने अपने इस ढंग से चलेगा, यानी कि आपको समझना है कि इन फेज और आउट ऑफ फेज चलेगा। तो आपके भाई वो डिटेल कंसेप्ट हो गया, फिलहाल इतना आप समझ ले कि ये 100% सर्टिनिटी होगी। अगर मैं लिखूं यहाँ पर डेल पी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम जीरो है, तो सर्टिनिटी बिकम्स 100% हो गया। इसका मतलब सर्टिनिटी इज 100%, मतलब हो गया पार्टिकल इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, मास तो पहले से फिक्स है, डेल भी अनसर्टिनिटी नहीं है, फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है, तो हमारे पास आ गया पार्टिकल इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। ये बेटा आपके पास इसका डिफरेंट फॉर्म पूछता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज सिंपल डिक्टेशन ऑफ हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड अब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे।